कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? नो, कहीं नहीं नजर आ रहा। हमारा मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं भी चौकीदार का मतलब ये हो गया है कि ये बात तो सब पूरा देश समझ चुका है कि चौकीदार चोर है। मतलब प्रधानमंत्री अपनी चोरी छुपाने के लिए हर व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम भी चोर बन जाइए। नीरव मोदी चला जाता है, ये चौकीदारी करते रहते हैं। विजय माल्या चला जाता है, मिल के जाता है, कह के जाता है मैं जा रहा हूँ, और ये चौकीदारी करते रहते हैं। मेहुल चौकसी भाई इनके, वो चले जाते हैं और ये कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। ये भगवान, ऐसा चौकीदार हमें मत देना। आपकी बातों में मेरे प्रति प्रेम भी है, अपने कार्य के प्रति निष्ठा भी है, लेकिन एक गहरा दर्द भी है। नहीं नहीं चौकीदार, मैं चौकीदार नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। आज देश का युवा बेरोजगार है, उनसे कह रहे हैं आप पकौड़े तलिए। बेरोजगार है, हमारे घर से भी बेरोजगार है, बच्चे भी हमें बेरोजगार है। चौकीदार जी ने अपने उद्योगपति दोस्तों का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है, बट उनसे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। ये तो देश की चौकीदारी करनी नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में एक मंत्र बना लिया है, मैं हर गली को गहना बना देता हूँ। मोदी किसने किया? कुछ नहीं किया हम लोग के लिए, अमीर के लिए तो हर चीज है। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले आए थे, क्या वो देश की रक्षा नहीं करते थे क्या? क्या उन्होंने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक नहीं करी क्या पहले? हाँ उन्होंने गलती ही करी, इन्होंने बहुत प्रोपोगंडा नहीं करा इसका, इन्होंने कभी किसी को मीडिया में इतना बताया नहीं हमने ऐसा करा, हमने ऐसा करा। और चाहे वो घर घर जाकर के एक कहे कि मैं चौकीदार हूँ, आप भी चौकीदार हैं, अब देश की जनता उससे भलीभांति जान चुकी है, वो अब उनके चक्कर में आने वाली नहीं। इन सब में ये साफ नजर आता है कि सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित है।